फ्रेंड्स, CME पटना के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। अभी की जो क्लास है वो हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के है और इसमें आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन रिवॉल्यूशन टॉपिक में अगर आप सवालों को देखें, खासकर BPSC मेंस के अनुसार से, तो नॉर्मली स्ट्रेट सा सवाल पूछा है अमेरिकी क्रांति के कारण और परिणाम। एक बार संभवतः 53 से 56 के दौर में सवाल आ गया था अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण और परिणाम। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स देखेंगे, UPSC की परीक्षा देखेंगे, और चूंकि विश्व इतिहास कुछ और जगह पे एज अ GS शामिल हुआ है, अगर उन सबको आप गौर करेंगे तो अमेरिका को एज अ होल पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप 1776 की अमेरिकी क्रांति घटना को थोड़ा उसके पीछे से बैकग्राउंड से लेके चले कि किस प्रकार से 1492 में जो वहाँ पे भौगोलिक खोजों के बाद जो कोलंबस की खोज पे अमेरिका पे प्रभाव बनाया गया, वहाँ से लेकर के किस प्रकार से अमेरिका को आज़ादी मिली, फिर बीच में जो संविधान बनाने में जो 13 साल लगे, फिर जो बिल ऑफ राइट्स की बात चली, और आगे उसी बैकग्राउंड में 1861 to 65 में जो अमेरिकन सिविल वॉर या गृहयुद्ध दोस्तों हुआ। अभी अमेरिका और भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि करंट पे भी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में जो ब्लैक्स और वाइट का जो स्ट्रगल चल रहा है, इस केस में भी अमेरिका बहुत ही चर्चा का भी विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं शुरुआत आज के करंट के इवेंट से ही करूं और फिर आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा। एक तो तरीका किसी चीज़ को पढ़ने का ये होता है कि आप उसका एक पुराना परंपरागत शैली से आप पढ़ सके, और एक वो तरीका होता है जिससे कि आप उसको नए संदर्भों से जोड़े तो बहुत बेहतर समझ में आता है। मैं अभी हाल की घटनाओं पर ही जोड़ते हुए बात करूंगा, हालांकि ये करंट का नहीं है, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा फ्लैश जिसे आप जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से कोरोना पैंडेमिक के साथ साथ अमेरिका बहुत अशांत चल रहा है, वहाँ पे जो ब्लैक्स और वाइट वाला मामला है, जो बीच के जो तनाव हैं वो अभी बीच में फिर से दोस्तों बढ़ते पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा समझे तो आप पाएंगे कि ये जो तनाव है वहाँ की संरचना का तनाव है, जो अमेरिका का जो डेमोग्राफी है उसका तनाव है, वहाँ का जो इकॉनमी और सोसाइटी है उन सब से ये जुड़ा हुआ, और कुछ कल्चरल जो चीज़ें उससे भी जुड़ा हुआ तनाव है। और इसको बेहतर समझने के लिए आप जब इतिहास में जाएंगे तो आपको कई बातें समझ में आएंगी। जैसे मैं एक दो बातें इंगित करना चाहूँगा। अभी आप जानते हैं कि वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है, डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। इसके पहले आप पाते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेट थे, ओबामा जो की सरकार थी दोस्तों डेमोक्रेट थे, और प्लस आप पाएंगे कि अमेरिका का होल में जो अमेरिका का जो अपर पार्ट है वो रिपब्लिकन का बड़ा बेस बैंक है, और वाइट मूल के वहाँ पे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर डेमोक्रेट्स का बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पर ब्लैक्स ज़्यादा पाए जाते हैं, हालांकि ब्लैक्स नॉर्थ में भी हैं पर साउथ में ज़्यादा हैं दोस्तों। तो ये मैंने जो नॉर्थ और साउथ का जो अंतर बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट USA, USA अंदर की बात। तो ये चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में अमेरिका की जो कहानी 1492 से शुरू होती है, उस कहानी में भी आप वहाँ की जो बसावट की प्रक्रिया है उससे भी इस बात को ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे जो यूरोपियंस हैं, खासकर ब्रिटेन के लोग USA के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ बसते हैं, वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनमी है, और वहीं सदर्न पार्ट में किस रूप में एक बगानी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ से अफ्रीका से दास मंगाए जाते हैं, वो लोग रहते हैं। अमेरिकी क्रांति में भले ही दोनों साथ में मिल करके संघर्ष करते हैं, लेकिन जब अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई 1776 के बाद संविधान की बात चलती है तो कई डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंस में यह था कि जो नॉर्थ था वो डेवलप्ड था, साउथ जो था पिछड़ा थोड़ा सा था। नॉर्थ में ब्लैक्स की बात कम है, स्लेव्स की बात कम है, साउथ में वो चीज़ें हैं। तो 13 साल संविधान बनने में दोस्तों लग जाते हैं इसी बात को लेकर के कि संविधान का स्वरूप कैसा हो। उसके बाद से आप सब जानते हैं कि वो डिफरेंसेस समाप्त नहीं होते हैं, बस एक समझौता हो जाता है जिसके तहत 1789 में अमेरिका का संविधान बनता है। बाद में बिल ऑफ राइट्स भी लाना पड़ती है चीज़ों को बैलेंस बनाए रखने के लिए,
और आगे 1860 को मैं कोट करना चाहूंगा। 1860 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उस समय में आप सब जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे। रिपब्लिकन पार्टी यह कहता है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कर देंगे। रिपब्लिकन पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक जो नॉर्मली था वो अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में था, जो वाइट बहुल था, और साउथ में अगर स्लेवरी समाप्त होता है तो साउथ की इकॉनमी भी गड़बड़ा जाएगी और कई सारी चीज़ में प्रॉब्लम्स थे। इसी थ्रेट को लेकर के आप पाएंगे कि कुछ सदन राज्यों में इस बात का प्रोटेस्ट शुरू होता है और वही आगे फैलते फैलते नॉर्थ और साउथ के बीच में संघर्ष का कारण बनता है। एक ही देश के तहत दो व्यवस्थाओं का टकराहट चलता है और जो गृहयुद्ध के रूप में 1861 से 65 तक दोस्तों आगे जाता है, खासकर तब जब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के लिंकन की दोस्तों विजय हो जाती है। बाद में गृहयुद्ध के समाप्ति के बाद वास्तव में अमेरिका एक मजबूती से आगे बढ़ता और कहा भी जाता है कि अमेरिका आज़ाद तो 1776 में हो गया था पर उस पर जो वास्तविक डेवलपमेंट है वो 1865 के बाद दोस्तों होता है। तो मैंने जो यहाँ करंट की बात कही, जो ब्लैक एंड वाइट का स्ट्रगल है, या जो 1860 के इलेक्शन में जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स वाली बात है, या जो बसावट की मैंने बात कही, इन सब चीज़ को आप अमेरिका के इतिहास दोस्तों समझ सकते हैं। तो आज जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मेरा ये हर बात में मैं जो शुरू से मैं करता रहा हूँ कि मेरा एक बार एक जनरल सा टॉक होता है जिसको हम पार्ट वन ऑफ लेक्चर करते हैं और दूसरे स्तर पे उसको फिर व्यापक रूप से दोस्तों लेके चलेंगे। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑप्शनल का है और हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग विश्व इतिहास का ही एक टॉपिक है अमेरिका, खासकर अमेरिका का जो क्रांति है या स्वतंत्रता संग्राम है 1776 का, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इसी में क्वेश्चन बीपीएससी की बात करें तो आ चुका है गृहयुद्ध 1861 से 65, यह भी दोस्तों आ चुका है। लेकिन हमने कहा शुरुआत में कि हम इसको इस रूप में ढाल के चर्चा करेंगे, फिर इसको फाइनल टच देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे चर्चा के बाद जो आपको कंसर्न नोट्स रहेंगे, नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो मैं इसको फाइनल टच विस्तार से दोस्तों दूंगा। अभी बस एक आउटलाइन देंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके। दोस्तों सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको देखना चाहिए कि इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आए हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों आप पाएंगे कि क्रांति पर अगर बीपीएससी की बात करें तो सपाट क्वेश्चन आया है, इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है। अगर आप गृहयुद्ध की बात भी देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ही सवाल आया हुआ है, इसका कारण क्या है और इसका दोस्तों परिणाम क्या है, कॉजेस एंड इम्पैक्ट, ये सवाल था। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा इसके पहले की बातों की भी थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि इन सब से ये भी प्रभावित है और आगे की घटना भी प्रभावित है, और थोड़ी सी चर्चा बीच का संविधान का भी करेंगे। हालांकि बीपीएससी ने संविधान पे सवाल नहीं पूछा है पर यूपीएससी का सवाल देखेंगे तो उस पे संविधान के नेचर पे सवाल दोस्तों आ चुका है, जहाँ पे आप देखते हैं कि अमेरिकी संविधान एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है, आर्थिक दस्तावेज है, इस पर दोस्तों जो सवाल पूछे हुए था और वहाँ पर भी जो अमेरिका का जो वर्गीय विभेद है उसको केंद्रित करके सवाल था जिसपे मैं थोड़ी सी चर्चा दोस्तों करूँगा। तो ये जो क्रांति का कारण और परिणाम है ये सपाट सवाल, या गृहयुद्ध का कारण परिणाम सपाट सवाल, लेकिन हम ये भी एक प्लस ऐड करेंगे, ये भी प्लस बात ऐड करेंगे और बात करेंगे आफ्टर गृहयुद्ध से ले अभी तक 2020 तक अमेरिका कैसे डेवलपमेंट चला, थोड़ी सी समझ, क्योंकि इसके जो परिणामों का पक्ष है वो हाँ आगे तक दोस्तों जुड़ा रहेगा और इसको आप कुछ करेंट तक से भी जोड़ सकते हैं कि गृहयुद्ध भले ही समाप्त हो गया पर ब्लैक और व्हाइट का संघर्ष हाल में भी चल रहा था। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इनोवेटिव चीज़ क्रिएटिव चीज़ों के नंबर बड़े अच्छे आते हैं। मैंने एक अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि हाउ टू राइट गुड आंसर में मैंने कई सलाह दिए थे या कई लोगों को जो पीछे पढ़ाने का मौका मिला अपने भी ड्यू और जे एन यू में जो चीज़ सीखा उसे चिपाए थे या कुछ बार इंटरव्यू से और कुछ बार अच्छे मेंस के मार्क्स से, कि आप अगर
क्रिएटिव लिखते हैं, डायनेमिक लिखते हैं, तो अंक बहुत आएंगे। रटा रटा किसी गाइड बुक से कारण परिणाम रट लिए तो फिर वो जनरलाइज मार्क्स आपको आ जाएगा, चीजें बहुत बेहतर नहीं हो पाएंगे। आपका निर्णय है, वो आप जो समझे। फिलहाल तो ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है जो डिफरेंट एग्जाम्स को उसको बेस बनाते हुए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अमेरिका को कुछ ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, बात शुरुआत से करेंगे जिसमें 1492 से 1776 के बीच की अमेरिका की बात होगी, जो एक हल्की सी समझ, और इन्हीं बैकग्राउंड के आधार पर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसको क्रांति के रूप में कहते हैं। दोस्तों अमेरिका की आज़ादी की बात, चूँकि अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, वो क्रांति भी दोस्तों कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि कोई घटना अगर आमूलचूल परिवर्तन करने वाली हो, जिसका प्रभाव बहुत व्यापक स्तर का हो, तो उसको क्रांतिकारी घटना भी बोलते हैं। क्योंकि अमेरिका की जो आज़ादी है वो आगे चल करके 20th सेंचुरी में जो विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशों में जो संघर्ष चले मातृ देशों के अगेंस्ट में, या जिसको आप एंटी कॉलोनियल जो प्रोटेस्ट थे, उपनिवेश विरोधी जो आंदोलन चले, उसकी प्रेरणा 1776 की अमेरिकी क्रांति से लेते हैं। चूंकि अमेरिका भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, और अमेरिका दोस्तों आज़ाद होता है, तो इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी। दूसरी बात है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसा मैंने उधर भी कहा, 1861 से 65 का दोस्तों गृहयुद्ध पढ़ेंगे। तो ये तो दो टारगेट रहेगा, क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा गृहयुद्ध के चीजें। अब आप खुद ध्यान दीजिएगा, इसी में सवाल आता है इसके कारण क्या है। तो कारण क्या होता है दोस्तों, इसके जो पहले की घटनाएं हैं, परिणाम क्या है, ये आगे की घटनाएं, ये सब कुछ इसका परिणाम है। ऐसे ही गृहयुद्ध के कारण क्या है, कारण इधर भी जुड़े हुए हैं कुछ, और साथ साथ परिणाम आज तक जारी है। बहुत सिंपल है दोस्तों। प्लस हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी इतिहास में कारण परिणाम की बात होती है तो जनजीवन के चार क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिणाम में भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैसे अमेरिका के परिणाम ही रहेंगे तो अमेरिका के अंदर चारों पक्षों पर क्या परिणाम हुआ, विश्व के अन्य भागों में इसका क्या परिणाम हुआ, इसका भी अमेरिका के अंदर क्या और कुछ बाहर भी कुछ प्रभाव है क्या, ये सब चर्चा है। फ्रेंड्स पहले हमेशा एक ढांचा सोचना चाहिए तो चीज़ें बड़ी अच्छी। किताबों की कोई कमी नहीं है, बहुत पॉपुलर राइटर हैं अमेरिकन हिस्ट्री पे, मिस्टर पार्क्स, पार्क्स किताब थी, हम लोग ग्रेजुएशन के दिनों में चलता था, और कई सारी किताबें हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, पर आपको इतना समय नहीं है, आप हमारे जो नोट्स मिलेगा वो पढ़ लेंगे, इट विल मोर देन इनफ। मेरी खुद की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, पर आप अभी सिर्फ नोट्स पढ़िएगा वो काफ़ी रहेगा, पहले एक बार समझ लेंगे। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैप पड़ा हुआ है, एक छोटी सी कहानी को समझें और फिर उसके बाद से आपको बहुत सारी चीज़ें मदद मिलेगी। मेरा कुछ पीछे का भी लेक्चर हुआ था, उसमें एक दो मिनट की बातें मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, फिर अमेरिका की घटना पर आएंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको विश्व इतिहास को समझना हो तो मूलतः आप यूरोप को समझिए दोस्तों। विश्व इतिहास मूलतः यूरोप केंद्रित इतिहास है, और किस तरह से यूरोप ने इस अमेरिका को अपने प्रभाव में बनाया, या ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज को कैसे बनाया, अफ्रीका को कैसे बनाया, ऑस्ट्रेलिया को कैसे प्रभाव बनाया, और एशियन कंट्री को कैसे प्रभाव बनाया, इस बात की दोस्तों चर्चाएं होती हैं। तो विश्व इतिहास मूलतः यूरोप केंद्रित इतिहास है, और उसने विश्व के अन्य भागों में किस प्रकार के से अपने प्रभाव की स्थापना की, उपनिवेशों की स्थापना की, साम्राज्यों का विस्तार किया, इस बात का दोस्तों अध्ययन है। अब इसी में मैंने आप सबको बताया था कि हर क्षेत्र की अपनी कहानी रहेगी। इधर आप पाएंगे एशियन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन, कुछ जगहों पे फ्रांस, जैसे इंडो चाइना का जो एरिया है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, वहां पर फ्रांस का प्रभाव था। यहीं पर इंडोनेशिया पर आप पाएंगे नीदरलैंड का दोस्तों प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन का प्रभाव है, अफ्रीका पर यूरोप के कई देशों का दोस्तों प्रभाव रहा, इधर आपको स्पेन और पुर्तगाल का प्रभाव रहा साउथ अमेरिका में, कनाडा में या यूएस में आपको प्रभाव रहा ब्रिटेन का। तो ये मैंने आपको सबको बताया था कि यहाँ यहाँ किस किस से प्रभाव रहे हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों, मैंने सबकी कुछ ब्रीफ बातें बताई थी, मेरी किताब का भी पहला चैप्टर में चार पन्ने में लिखा हुआ है, विश्व इतिहास की बेसिक समझ,
और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, चूंकि आप रट कर कुछ नहीं कर पाएंगे, कई चीजें इंटर रिलेटेड पूछता है दोस्तों। जैसे ऐसा पूछ दिया कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उपनिवेशवाद से मुक्तियों के विभिन्न इतिहासों में सबसे अद्वितीय है या सबसे अलग है, तो आपको सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का नेचर दोस्तों बदल रहा है। दूसरी बात, यूरोप में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो पूर्वी यूरोप है उसका विकास क्रम कुछ अलग है, यूएसएसआर वगैरह का आगे डेवलपमेंट चलता है, और कैसे पश्चिमी यूरोप का विकास क्रम अलग है, और खासकर दो देशों को विशेष ध्यान देने की बात मैंने कही थी, एक रहेगा ब्रिटेन और एक रहेगा फ्रांस। फ्रांस और ब्रिटेन पॉलिटिकली बराबर थे, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र आने के चलते वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रांस में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद का ज़्यादा प्रभाव रहने चलते डेवलपमेंट दोस्तों कम होता है। उसी में मैंने आपको सबके बारे में ब्रीफ में बताया था कि स्पेन पुर्तगाल भौगोलिक खोजों में शुरुआत करता रहता है, शुरू में आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों के चलते ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। इटली अपने भौगोलिक अवस्था के चलते ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। आप पाएंगे ऑस्ट्रिया कुछ समय के लिए 19 सेंचुरी में जब मेटरनिक का टाइम रहेगा तो थोड़ा प्रभावी बनता है। जर्मनी अपने लड़ाकूपन की प्रवृत्ति के चलते खनिज संसाधन के बावजूद ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। नीदरलैंड भी स्पेन पुर्तगाल जैसा कुछ भौगोलिक खोजों में आगे रहता है, पर कोई ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। मूलतः दो देश ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वो हैं ब्रिटेन और फ्रांस। मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से दोनों मजबूत है। 100 ईयर्स वॉर जो 14th-15th सेंचुरी में हुआ उसमें फ्रांस ने ब्रिटेन को हराया था। बाद में जब 7 ईयर्स वॉर हुआ था 1756 से 1763 तक, उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था। तो ये दोनों की लड़ाई चलती रहती थी, जैसे आज अमेरिकी वो में भी पाएंगे कि ये घटना का प्रसंग रहेगा। लेकिन फ्रांस में सामंती संरचना, ये क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव हमेशा बना रहा, और इसलिए फ्रांस ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया। वही ब्रिटेन में लोकतंत्र आया, खुलापन आया, इसलिए वो डेवलपमेंट हुआ। कई बार आप आएंगे आइडियोलॉजीज में कि कई थिंकर्स फ्रांस से अवश्य होंगे। आपने नाम सुना होगा रूसो का, मोंटेस्क्यू का, वॉल्टियर का, थिंकर्स चिंतक, क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात बहुत सारी होती रहेगी, लेकिन उसका जो जमीनी जो चेंजेज होते हैं उतना नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि फ्रांस में चिंतक अवश्य हुए, पर जमीनी बदलाव के लिए वो धरातल नहीं मिला, वो भूमि नहीं मिली जहाँ बातें बदलाव हो सके। जैसे कि हम ही मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं आ पाए, और उनमें मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने का प्रयास करूं और उनको फायदा ही नहीं हो, उनका वो लेवल ही नहीं हो, तो वो बहुत नहीं मिल पाएगा। याद रखिए दोस्तों, अच्छे स्टूडेंट से भी टीचर में चमक बदले। मैं तो हमेशा थैंक यू कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ बहुत लोग रिजल्ट आए उसमें उन्हीं का देन था, चूँकि वो मेरे पास आए तो हमको पढ़ाने का मौका मिला। अगर वो मेरे पास नहीं आते तो शायद हम अपनी बातों को रख भी नहीं पाते, जैसा अक्सर कई बार होता है। लेकिन अभी तक तो ठीक रहा है, दिल्ली में भी अच्छे रहे और अभी भी यहाँ पर भी जैसे 63वीं में बहुत लोग पढ़ाए पढ़े और CME से बहुत लोग पास किए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसी बार 201 कृष्णा जी लाए ऑप्शनल में, बहुत कॉन्फिडेंस बना। हम लोग के स्टूडेंट थे, आप पता भी कर लीजिए, ऐसे कई लोग पास किए हैं जो कि CME से डायरेक्टली जुड़े हुए थे। फिलहाल यहाँ पर भी जब अमेरिका की कहानी को थोड़ा सा मैप से समझ लें, अभी पार्ट वन चला, पार्ट टू विस्तार से आएंगे। आप दोस्तों ये अमेरिका आप देख रहे हैं, एक ब्रीफ कहानी यह है कि जब भौगोलिक खोज चला 15 सेंचुरी के आसपास में, तो 1492 में स्पेन का यात्री कोलंबस, मूलतः उसको इधर के क्षेत्रों में आना था, भारत तक आना था, लेकिन वो ये चला जाता है अमेरिका। अमेरिका की दोस्तों खोज होती है, जैसा और जगह कहानी है, संसार के अधिकांश जगहों में खोजने वाले स्पेन पुर्तगाल वाले हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी कैप्टन कुक जो ब्रिटेन का था उसके पहले स्पेनिश पोर्चुगीज पहुंच चुके थे, पर ठीक से वहां पर प्रभाव नहीं बना पाए दोस्तों। से इंडिया में देखिए, आप सब जानते हैं कि पोर्चुगीज कंपनी पहले आई, पर फाइनली प्रभाव दोस्तों ब्रिटेन बनाता है। तो यहाँ की वही कहानी है, 1492 में दोस्तों खोजा गया, पर मेन प्रभाव बनता है 1606 के बाद से। जैसे इंडिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी जो ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ब्रिटेन की थी, वैसे ही अमेरिका के लिए वर्जीनिया कंपनी दोस्तों बनाई गई थी, जो कि कुछ संयुक्त पूंजी कंपनी जैसे थी, और उसने इस क्षेत्र पे कुछ अपने प्रभाव बनाने के लिए अपने व्यापारिक कार्य शुरू किए। आगे चल करके रॉयल अफ्रीकन कंपनी बनी, जो यहाँ से अफ्रीका के तटों से दासों को ले जा करके यहाँ पर बसाया करती थी दोस्तों। अब यहीं पर जो ये संरचना बनती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कई कारणों से ब्रिटिश मूल के लोग यहां पर बसे, किसी को आर्थिक लाभ की चाहत रही, किसी को धार्मिक कारण, में चर्चा भी करूंगा। जब ब्रिटेन में एंग्लिकन चर्च आया, जिसको स्टेट चर्च कहते हैं, जिसमें राज्य का धार्मिक मामलों पे हस्तक्षेप था, तो कई लोग इस बात के सपोर्टर नहीं थे। वो चाहते थे कि राज्य और धर्म अलग अलग चीजें रहें, जिनको प्यूरिटन्स भी दोस्तों कहा गया। तो जो प्यूरिटन विचारधारा के थे वो लोग यहां से चले जाते हैं अमेरिका बसने। कई लोग आर्थिक कारणों से भी यहां पे बसे, और कई यूरोप के और क्षेत्रों से भी लोग दोस्तों आगे चल करके अमेरिका में बसते हैं। और इस बसावट की इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्सिमम जो बसते हैं वो अमेरिका के इस अपर पार्ट में दोस्तों बसे, यहां पर बसते हैं। अब यहां पर अगर बसेंगे तो ये बड़ी बात महत्वपूर्ण हो जाएगी कि यहां पे नॉर्दर्न पार्ट में यहां के लोगों की बसावट है। सदन में बसते हैं पर कम बसते हैं। बाद में जो अफ्रीका से स्लेव्स लाए जाते हैं वो सदन पार्ट में बसाए जाते हैं। तो यहां पे डेमोग्राफिकल एक चेंजेज है। अब इसका असर इकोनॉमी पे भी दोस्तों पड़ता है। यहां पे इंडस्ट्रीज बच जाएगा, जैसे गृहयुद्ध की जब चर्चा चलेगी तो उसमें यह भी कारण है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, 90% इंडस्ट्रीज यहीं पर है, 10% इंडस्ट्री सिर्फ साउथ में है। यहां का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आप पाएंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, यहां पर स्लेव्स हैं। स्लेव्स और वर्कर्स में दोस्तों अंतर है। स्लेव्स बंधुआ है, उनके अपनी मानसिकता और श्रम दोनों बिका हुआ है। मजदूर अपना सिर्फ श्रम बेचता है, उसके काम के घंटे दोस्तों निर्धारित होते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ का अंतर इसकी बसावट की प्रक्रिया से जुड़ा है। विस्तार आगे भी और करूंगा जब इसको विस्तार पढ़ाऊंगा। बस ये देखना है कि किस प्रकार से यहाँ लोग बसे। अब आजादी के समय में क्या कहानी हुई कि इन लोगों ने यूनाइटेड एफर्ट किया, क्योंकि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन का ये कॉलोनी था, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कई कारणों से इन लोगों को ये पसंद नहीं है कि ब्रिटेन प्रभाव बना करके, जैसे इंडिया में बाद में 20th century में नेशनल मूवमेंट चलता है, तो ये सारे यूनाइट होकर के ब्रिटेन के कॉलोनियल रूल का विरोध करते हैं, जिसके कई कारण रहे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चर्चा करेंगे तुरंत अभी। और ये फिर फ्री होते हैं, 4 जुलाई 1776 को आजाद होते हैं। लेकिन यहां पर फिर डिफरेंस शुरू होता है, इसका और इसका संविधान जो बने। नॉर्थ चाह रहा है कि हमारा इंडस्ट्रीज है, उसके गुड्स खूब बिके, इसलिए बाहर का सामान ना आए। साउथ को इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं से सामान हो, सामान सस्ती हो, चूंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, तो इस बात को लेकर संविधान के प्रधानों में प्रॉब्लम है। अमेरिका में कई सारे स्टेट्स हैं, कुछ राज्य चाह रहे हैं कि उनका ज्यादा प्रभाव बढ़े, जो हमारे असेंबलीज बने, कुछ राज्य चाह रहे हैं कि उनका कुछ और भी प्रकार से महत्व बढ़े, उनके अपनी जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, उसको महत्व मिले। तो ऐसे कई सारे बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के बीच का विवाद है, वोटिंग राइट्स को लेके विवाद है, जो सोसाइटी के जो डिफरेंट क्लासेस हैं, धनी और गरीब, उसका विवाद है, स्लेव्स बनाम नॉन स्लेव्स का विवाद है, ऐसे कई सारे विवाद यहाँ पाए जाएंगे। इसलिए अमेरिका संविधान को बनने में, जैसे इंडिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा, वहां पे दोस्तों 13 साल दोस्तों लग जाते हैं। और बाद में दोस्तों यही डिफरेंस के चलते सिविल वॉर चलता है नॉर्थ और साउथ का, जो मैंने शुरू में बोला था, चूंकि नॉर्थ डेवलप्ड है, साउथ पिछड़ा हुआ है, 90% इंडस्ट्री इधर ही है, 10% इधर ही है। नॉर्थ वाले चाहते हैं स्लेवरी सिस्टम समाप्त हो सके, ताकि स्लेव्स फ्री होकर के वर्कर्स के रूप में काम कर सके। तो ये सब चीजों के चलते दोस्तों यहां पिछड़ जाएंगे। लेकिन जब गृहयुद्ध समाप्त हो जाएगा तो अमेरिका एक प्रॉपर रूप से फेडरेशन की शक्ल आएगा, फिर अमेरिका डेवलप करेगा। World War I या World War II अमेरिका अपनी मन से नहीं, लेकिन वो मजबूरन गया, चूंकि World War I में जब जर्मनी ने उसके पनडुब्बियों को डुबोया था, या World War II में जापान ने जब उसके नौसैनिक अड्डा पल हार्बर पर अटैक किया था, कोडिंग बना सकते हैं हिंदी में ज ज, World War I में जर्मनी और दूसरे में जापान, दोनों में वो विजेता के रूप में उभर के आता है, और World War II के बाद महाशक्ति के रूप में। और आगे आप सब जानते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चली 1945 to 1991 कोल्ड वॉर के दौर में, और फिर USSR के ब्रिटेन के बाद से 1991 के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में अमेरिका बढ़ता है। आज बहुत ध्रुवीयता अवश्य है, फिर भी आज एक अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है। दोस्तों ये एक संक्षिप्त फ्लैप था कि कोई देश जो पहले कैसे परतंत्र था, लेकिन वो कैसे आज़ाद होता है, वहाँ भी अपनी समस्याएं थी, वहाँ भी गृहयुद्ध हुआ, पर कैसे रिवाइव करता है,
समस्याएं कभी गृहयुद्ध के रूप में आई 1861 से 65, समस्याएं कभी 1929 से 32 के आर्थिक मंदी के रूप में भी आई। शुरुआत अमेरिका से ही दोस्त हुआ था, लेकिन वहां पर रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी से मंदी को ओवरकम किया। वैसे ही लिंकन की भूमिका से गृहयुद्ध को उबरने मदद मिली। समस्याएं अभी भी कोरोना के दौर में सभी लोग गुजर रहे हैं, पर जो इसमें धैर्य और संयम बना करके अच्छे से काम को करता रहेगा, वो वर्तमान भी सुरक्षित दोस्तों रहेगा और उसका आगे भी बेहतर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर एक संक्षिप्त से मैप पर बात थी, अब थोड़ी सी बात देख लिया जाए जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लोग पढ़ेंगे ये कहानी पर कि किस प्रकार से कोलंबस ने खोजा, उसके बाद से कैसे अदर कंपनियाज वहाँ गई, वर्जीनिया कंपनी 1606 से क्या किया, रॉयल अफ्रीकन कंपनी 1670s में क्या करता है, ये सब बातें। इसी के बाद से क्रांति जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका रहेगा एक भूमिका, फिर इसका कारण, फिर इसका परिणाम, फिर इसका समीक्षा और निष्कर्ष। इन बातों पे भूमिका में हम सीधे बात करेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटना को एक क्रांति के रूप में कहा जाता है, तो संग्राम की जगह पे क्रांति शब्द ही इस बात का सूचक है कि ये विश्व इतिहास का एक बहुत ही उल्लेखनीय निर्णायक घटना है। शब्दों को बेहतर से प्रोड्यूस करने से आपने यही वर्ड लिखा कि सिर्फ एक स्वतंत्रता संग्राम की घटना नहीं बल्कि इसको क्रांति के रूप में कहना इसके महत्व का सूचक है, तो एग्जामिनर आपको पढ़ने लगेगा कि इसमें एक मौलिकता है, इसकी समझ है। और फिर बताइए, चूंकि ये सिर्फ ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से आज़ादी का ही ये घटना नहीं रहा बल्कि इसने आगे आने वाले सदियों को भी प्रेरित किया, तो इस रूप में इसकी चर्चा दोस्तों आप करेंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। भूमिका में एक लाइन, दूसरा लाइन, दो तीन कोटेड लाइन है जो अच्छी बुक से हैं, जैसे एक है कि व्यस्क होते हुए औपनिवेशिक समाज में एक स्वाभाविक घटना थी। ऐसे दो तीन ऐसी लाइनें हैं जिससे हम लोग भूमिका में आप देंगे, मेरे नोट्स में भी रहेगा, जिससे आप शुरुआत करेंगे। और फिर जैसा मैं शुरू से कहता हूं कि आप जो आगे लिखने वाले हैं भूमिका के बाद उसको लिख दीजिए, अमेरिकी क्रांति कारण बांट दीजिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बाह्य कारण, ऐसे बांट देंगे, फिर कारण समझाएंगे। जैसे राजनीतिक कारण में आप बता सकते हैं जो समय 18 सेंचुरी प्रबोधन युग का दौर दोस्तों चल रहा है, रूसो मॉन्टेस्क्यू वोल्टेयर का दौर, जिसमें समानता असमानता जैसी बातों का फैलाव है, प्राकृतिक सत्य के स्तर पे मानव जीवन को जोड़ने की बात चल रही है, मानव कल्याण की दोस्तों बात चल रही है। तो जो यहाँ पे पाएंगे राजनीतिक स्तर पे जो प्रबोधन का युग है वो भी रोल प्ले करेगा, और यही कारण है कि न सिर्फ अमेरिकी चिंतक बल्कि जो ब्रिटेन के भी चिंतक है जिसका अमेरिका उपनिवेश है वहां के भी लोग कहते हैं कि अमेरिका को आजाद होना चाहिए। तो चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों में प्रबोधन युग की बात और जो चिंतकों की बात। दूसरा रहेगा आर्थिक, आर्थिक सबसे पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक में बात करेंगे तीन प्रकार के अधिनियमों की बात, आप आराम से पढ़ते हैं, कृषि उद्योग व्यापार। तो सबसे पहले उद्योग अधिनियम था जिसका मूल उद्देश्य था कि ब्रिटेन को अमेरिका में कोई उद्योग का विकास नहीं होने देना है। जैसे उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति ही होती है कि उपनिवेशों को कच्चे माल का स्रोत और अपने तैयार माल के बाजार के रूप में दोस्तों देखता है, तो इसी रूप में उद्योग अधिनियम का उद्देश्य था कि वहाँ उद्योग का विकास न हो। व्यापार अधिनियम का उद्देश्य था कि वहाँ व्यापार का ग्रोथ ना हो सके, व्यापारी जो सिर्फ होंगे वो ब्रिटिश मूल के लोग ही व्यापार करवा सकते हैं। नौ परिवहन अधिनियम काम था कि कोई भी चीज वो ब्रिटिश निर्देशन वाली जहाजों के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। उद्देश्य था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पंगु करना, जिसके चलते बाद में अमेरिकी वासी दोस्तों विरोध करते हैं। चर्चा करूंगा कौन से एक्ट थे, क्या चीजें थी, अभी बस ढांचा ले रहे हैं। इसी में आप पाएंगे तीन प्रकार के अधिनियम की बात। नेक्स्ट होगा दोस्तों सोसाइटी की बात, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अमेरिका वासी जो थे वो ब्रिटिश मूल के भी थे, इसलिए वहां पर जो कि ब्रिटेन में 1688 में लोकतंत्र आ गया तो उसकी प्रेरणा या उनका जुड़ाव वहां के लोगों से भी था, तो वो भी कुछ ऐसी लोकतंत्र जैसी मांगे रखेंगे। दूसरी बात यह है कि एक मध्य वर्ग उभर रहा था जो कि कुछ चेंजेस चाह रहा है, जो मिडिल क्लास है जो चेंजेस चाह रहा है कि व्यापार वाणिज्य का चीजें वो विकास हो सके, तो मध्य वर्ग कुछ चेंजेस दोस्तों जरूर
चाहेगा ताकि कोई कॉलोनी उस पर प्रभाव न रह सके। और इसी में आप आएंगे, समाज में एक नई सोच भी है, चूंकि एक नया निर्मित दोस्तों समाज था। ब्रिटेन में थोड़ा सा कुलीनता वाला भी प्रभाव है, लेकिन अमेरिकी जो समाज थी वहां नया समाज है जिसमें जो मेहनत से राइज कर जाएगा उसी की दोस्तों पूछ होगी, जिसको आप शहरी समाज का भी लक्षण देखते हैं। तो ये भी एक सोच का अंतर आएगा, अमेरिका एक नया निर्मित समाज और ब्रिटेन पुराना समाज। अमेरिका में नया मध्य वर्ग का विकास जो कि चेंजेस चाह रहा है, इकोनॉमी में तीन प्रकार के अधिनियमों की बात, चाहे उद्योग अधिनियम, नौ परिवहन अधिनियम, व्यापार अधिनियम, या राजनीति में प्रबोधन युग का परिवेश और विभिन्न प्रकार के चिंतकों की भूमिका। जैसे टॉमस पेन कहते हैं कि बड़ा अटपटा सा लगता है कि इतना छोटा सा ब्रिटेन इतने बड़े अमेरिका को शासित दोस्तों कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे धार्मिक सोच का भी अंतर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अमेरिका में जब रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार के बाद वहां पे प्यूरिटन्स जैसा ग्रुप डेवलप्ड हो रहा है जो राज्य का चर्च के मामलों में हस्तक्षेप का विरोधी है, तो जो लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर थे, जो राज्य और धर्म को अलग अलग मानते थे, वो ब्रिटेन से पलायन कर जाते हैं। कहां पे दोस्तों? अमेरिका में। और वो ब्रिटेन से अलग व्यवस्था के रूप में अमेरिका की आजादी की भी दोस्तों बात में बात करने लगेंगे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सबको विस्तार से बात करेंगे। इसी में रहेगा कुछ बाह्य कारण। बाह्य कारण में फ्रांस का मामला है। फ्रांस 1756 से 63 का जो 7 ईयर्स वॉर था उसमें ब्रिटेन से हार गया था, कभी 100 ईयर्स वॉर में जीता था, इसलिए बात का जब बदला लेता है, जब अमेरिकन वॉर होता है और उसमें अमेरिका वासियों को फ्रांस की सेना सपोर्ट करती है, जैसे स्पेन और पुर्तगाल भी अपनी सेनाएं ब्रिटेन के अगेंस्ट में दोस्तों भेजता है। और एक काल्पनिक बात भी कही जाती है कि काश 1857 के लोगों को भी ऐसी सपोर्ट दोस्तों मिल जाता। फ्रेंड्स, इसी में आप पाएंगे कि आगे रहेगा घटनाओं की भूमिका कारण में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले 7 ईयर्स वॉर वो रहेगा, दूसरा कारण रहेगा कुछ एक्ट जो 64-65 के आसपास में आते हैं, जिसमें एक सुगर एक्ट है और 65 का स्टैम्प एक्ट है। स्टैम्प एक्ट को विस्तार से बात करेंगे, चूंकि स्टैम्प एक्ट में पूर्वाभ्यास हो गया था, उसी समय नारा दिया गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया जैसे कई प्रकार की संस्थाएं दोस्तों बनाई गई। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे स्टैम्प एक्ट को वापस लिया जाएगा, जिसके चलते लोगों में चेतना बड़ी होती है। फिर आगे चल के आप आते हैं 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना, जिसमें आपको कैसे चाय वाली जो बात रहेगी, और फिर 76 से प्रॉपर 75 से संघर्ष शुरू होंगे और 4 जुलाई 76 को आज़ादी प्राप्त होगी। तो ये कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे, टू दी पॉइंट, आप उसके पहले नोट्स को देखे रहेंगे। इसी प्रक्रिया में जब हम लोग आएंगे तो परिणामों की बात करेंगे राजनीतिक स्तर पर, आंतरिक क्या परिणाम पड़ा, तो स्वतंत्रता आई, लोकतंत्र आया, गणतंत्र की बात आई, धर्मनिरपेक्ष सत्ता स्थापित हुई, वो सारे कारण जिसके लिए क्रांति हुई थी वो आंतरिक परिणामों को प्रभावित करेगा। और बाह्य स्तर पे ब्रिटेन में बदलाव हुआ, सत्ता के स्तर पे, वैश्विक औपनिवेशीकरण के स्तर पे, और भी कई चीज़ें जो आगे भी दिखाई पड़ती है। फिर उसी को हम लोग जोड़ेंगे गृहयुद्ध से, संविधान से सॉरी, कि संविधान में क्यों लंबा समय लगा। फिर गृहयुद्ध में जिसमें दास्ता का प्रश्न, उत्तर दक्षिण विवाद का प्रश्न और आर्थिक विषमताओं का प्रश्न, और फिर गृहयुद्ध के बाद कैसे अमेरिका का दोस्तों विकास हुआ। ये पार्ट वन में थोड़ी सी चर्चाएं थी अमेरिकी क्रांति के बारे में। इसी में जब हम लोग विस्तार से आएंगे, जब आप नोट्स पढ़े रहेंगे, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।